Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting for partnership firms and the chapter and concept is goodwill, nature and valuation. The question is, I and Amit are partners in a firm and they admit Jasmark into partnership. Isme goodwill valuation karna hai under super profit method, jahan pe ki past adjustments hai. तो आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा. लास्ट लाइन है कैलकुलेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल. तो वर्किंग नोट में पहले निकालो व्हाट इज टोटल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट सब निकालो. तो वर्किंग नोट फास्ट बनाओ और इसके नीचे एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट एक ही कंसेप्ट है. आपको 500 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 500 साल का प्रॉफिट को ऐड करो. देखो ईयर वन का प्रॉफिट है 150,000, ईयर टू का 180,000. ये दोनों साल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ईयर थ्री में 1 लाख प्रॉफिट है इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉस 1 लाख. 1 लाख प्रॉफिट हुआ है और अबनॉर्मली लॉस हो गया 1 लाख. यानी ये आपके अगर अबनॉर्मल लॉस होता नहीं तो आपके प्रॉफिट 2 लाख होता. मैंने इसको रेड में आपको समझाने के लिए लिखा है. प्रॉफिट 1 ईयर 2 ईयर थर्ड ईयर का प्रॉफिट ये 2 लाख होगा क्योंकि अबनॉर्मल लॉस ऐड होगा और अबनॉर्मल गेन माइनस होगा. इसको क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल ईयर्स जहां पे बिजनेस नॉर्मल चला होता है. और थर्ड फोर्थ ईयर में आपके 2,60,000 प्रॉफिट दे रखा है. क्वेश्चन में दे रखा है इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन और प्रॉफिट ऑफ 40,000. अबनॉर्मल गेन नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट 40,000 कम होता, तो इससे 40,000 माइनस करो. 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ये 4th ईयर का प्रॉफिट है और 5th ईयर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है. 2,40,000 याद रखो, अबनॉर्मल लॉस ऐड होगा, अबनॉर्मल गेन माइनस होगा. तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, इट इज ₹1,98,000, राइट. और द फर्म हैड टोटल असेट्स 20 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 5 लाख. तो एक्चुअल कैपिटल निकालो, असेट माइनस लाइबिलिटी. एक्चुअली व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, असेट्स माइनस लाइबिलिटी. असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल 15 लाख. और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. सपोज ये आपके कोई बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसमें आपके रेट ऑफ प्रॉफिट यूजुअली 10% है. तो इसका 10% होता है आपके 15 लाख का 10% 1,50,000. तो दिस इज एक्चुअल कैपिटल. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, हियर इट इज यू हैव गॉट एक्चुअल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट होगा एक्चुअल कैपिटल इंटू 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 15 लाख इंटू 10% दैट इज इक्वल टू 1,50,000. तो ये एवरेज प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, दोनों को माइनस करो, 48,000 आएगा इंटू ईयर्स परचेज, दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट होगा एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू ये दोनों का माइनस, दैट इज 48,000. देन कम्स योर फेयर नोट, गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज. सुपर प्रॉफिट आपको मिला है 48,000, क्वेश्चन में दे रखा है 3 ईयर्स परचेज. तो 3 में मल्टीप्लाई करो, गुडविल ऑफ द फार्म इज ₹1,44,000 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.